Hello guys, welcome back to the channel. So in today's video I will be discussing about TCS digital hiring process. So the communication medium of the video will be in Hindi. I will be talking to you guys in Hindi, okay? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो मैंने काइट के आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि एकेटीयू से एफिलेटेड है वहां से बीटेक की है, जहां से मेरा टीसीएस डिजिटल में प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं, कैसे कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा था. तो इट माइट बी यूजफुल टू यू एज वेल. ओके, तो सबसे पहले ये होता है एनक्यूटी का प्रोसेस. वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं. 10 क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग लॉजिक के होते हैं, हैंड्स ऑन कोडिंग के 2 होते हैं. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. तो ये 90 क्वेश्चंस होते हैं इनमें, ठीक है? तो 90 में से आपके एटलीस्ट 72 तो सही होने चाहिए. आई मीन 90 में से 72 से 75 के बीच में सही होने चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी इन द टॉपर्स, अगर आपको डिजिटल के लिए क्वालिफाई करना है. ओवरऑल में बताऊं तो 100 में से इफ अगर हम इसे 100% में कंसिडर करें तो 80% आपके सही होने चाहिए, ठीक है ना? अब 80% आपके सही होने चाहिए और ये 2 कोडिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व होने चाहिए. एक बहुत इजी होता है, एक थोड़ा टफ होता है. अगर आपका एक ही कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ऊपर आपके 80 आ गए तो आपका डिजिटल के लिए नहीं हो पाएगा, आपको दोनों कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. अगर आपका टारगेट निंजा है तो अगर ये 2 कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होंगे और ये ऊपर में आपके 75 से 80 के बीच में आ जाएंगे तो आपका निंजा के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. हमें एग्जैक्ट स्कोर डिस्क्लोज नहीं किए थे, ऑन कैंपस हायरिंग थी, पर मैंने, मेरे को पता है मैंने कितने सही किए थे. न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी सबसे खराब गई थी, इसमें से 12-13 ही सही थे, बट रीजनिंग एबिलिटी में एटलीस्ट 27 सही थे और वर्बल एबिलिटी में हो सकता है सारे ही सही हों, 1-2 ही गलत था. 10 में से 10 यहाँ सही थे और ये दोनों कोडिंग के क्वेश्चन सही थे. अब इसके बाद हुआ था, अब मैं बताता हूँ सारी प्रोसेस कब कैसे कैसे हुई थी, ठीक है? तो सबसे पहले एनक्यूटी हुई थी हमारी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में और 3rd-4th वीक तक मुझे पता चल गया था कि मेरा जो है कि मैं टॉपर्स में आया हूँ, इसलिए मेरा डिजिटल का टेस्ट होना था. डिजिटल के टेस्ट में आए थे 2 कोडिंग के क्वेश्चंस, ये पहले वाले से थोड़े टफ लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है? जिसमें से कि मेरे 1.5 सही थे, आई मीन एक पूरा सही था, दूसरा पार्शली रन हो रहा था. अगर आपका एक रन हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, एटलीस्ट 1.5 तो सही करने पड़ेंगे या फिर दोनों सही हो जाए. तो 2 कोडिंग के क्वेश्चन सही थे, 3rd-4th वीक में हुआ था और मुझे फिर शायद 3-4 दिन बाद ही पता चल गया था, क्योंकि ऑन कैंपस हायरिंग थी, सारे काम जल्दी हो रहे थे. 3-4 दिन बाद ही पता चल गया था कि मेरा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ मैं डिजिटल के लिए. तो 1st week of November में मेरा इंटरव्यू हुआ था. अब क्या होता है, अगर तुम्हारे 2 कोडिंग के क्वेश्चन सही नहीं हुए तो तुम्हें यहाँ से सीधा यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है? अगर तुम्हारे 2 में से 1 सही आ तो तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, अगर 1.5 सही हो गए तो तुम इंटरव्यू पे आओगे. अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे, अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तब भी तुम यहाँ आ जाओगे, ठीक है? अब अगर तुम्हारे एनक्यूटी में एटलीस्ट 80% आने चाहिए और दोनों कोडिंग के सही होने चाहिए तो आप यहाँ जाओगे. अगर 80% आ गए कोडिंग के नहीं हुए तो आप यहाँ जाओगे. अराउंड 70 से 80 के बीच आए तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है? अब ऑफर लेटर मुझे दिसंबर के मिड में मिला था और मेरी ज्वाइनिंग मेरे को ज्वाइनिंग लेटर मई में मिला था, ठीक है? और जो मेरा वो था, क्या कहते हैं उसे, मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी जुलाई में. ये सारा प्रोसेस था. एनक्यूटी हुई थी अक्टूबर में और टेस्ट भी अक्टूबर में हो गया था, फिर डिजिटल का, और इंटरव्यू हुआ था नवंबर में, ऑफर लेटर मिला था दिसंबर में और ज्वाइनिंग लेटर मिला था मई में और ज्वाइनिंग हो गई थी जुलाई में. तो ये था सारा प्रोसेस. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स देन यू मे पुट डाउन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गिव ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन एज वेल. Details in description as well. So make sure to like this video. Okay, bye.